दरअसल समय कब से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार रेह रेह के उसे तापसी याद आ रही थी। उसे मॉल में किस करना, उसको छूना, उसकी कार में बातें करना समय को अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। समय धीरे से अपने हाथ से तापसी के चेहरे पे आ रहे बालों को कान के पीछे कर देसे हाथ वापिस लेने लगा। उसके हाथ की उगली गलती से उसके होठों से छू गई। समय एक पल के लिए वहीं जमसा गया। तापसी मुलायम गुलाबी पनखुड़ी देसे होठ समय को अपनी ओर खींचने लगे। तापसी इस वक्त काफी गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए उसे पता नहीं चला कि समय उसके इतने पास है। हाँ, वो बात अलग है कि दोनों के बीच सलाखे है। समय अपनी उंगली तापसी के मुलायम नर्म होठों पर फेरने लगा। तापसी को जब अपने होठों पर कुछ रेंगते महसूस हुआ तो वो नींद में कसमसाने लगी। समय की जो उंगली उसके होठों पे थी, तापसी ने गलती से मुंह में ले ली। समय ने जैसे ही अपनी उंगली उसके मुंह में देखी तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। तापसी के गर्म मुंह का एहसास समय को अजीब सा सुकून दे रहा था, जैसे कुछ अजीब सी फीलिंग समय के पत्थर दिल पर सुकून दे रही थी। तापसी किसी लॉलीपॉप की तरह समय की उंगली को चूसने लगी, जैसे नींद में कोई प्यारा सा सपना देख रही हो। समय ने भी उसे वो करने दिया जो वो कर रही थी। समय को खुद उसका एहसास अच्छा लग रहा था। समय अपनी उंगली से उसके मुंह के कोने कोने को महसूस करने लगा। कुछ देर तापसी उसकी उंगली चूसने के बाद उसने मुंह दूसरी ओर फेर लिया, जिसे समय की जो उंगली उसके मुंह में थी वो बाहर निकल गई। समय अपनी उंगली को बाहर देख अच्छा नहीं लगा। तापसी अपने मुंह से उसकी उंगली को छोड़ना उसे पसंद नहीं आया। उसका ओरा धीरे धीरे डार्क हो गया। उसे खुद पता नहीं चला कब उसकी आंखें पूरी लाल हो गई, उसके गले की नशे तन गई, उसका काबू अपने आप खुद से छूटने लगा। तापसी इन सबसे बेखबर सुकून से सो रही थी। समय खड़ा होके अपनी जेब से चावी निकाल सलाखे खोल तापसी के पास चला गया। समय बिना देर किए तापसी को अपनी गोद में उठा लिया। तापसी अभी भी सो रही थी। हमारी तापसी मैडम की एक बहुत बुरी आदत थी, वो एक बार सो जाती उसके बाद कोई कितना भी क्यों ना उसे उठाने की कोशिश करे वो नहीं उठेगी। उसे दो चीजों से बहुत प्यार था, एक तो खाना और दूसरा सोना। समय तापसी को किसी गुड़िया की तरह उठा के अपने फ्लो पर ले आया। तापसी उसके सीने में अपना चेहरा छुपा के अपने छोटे हाथों से उसे पकड़ सो रही थी। समय उसे ले जाके बाथरूम के चला गया। उसे ले जाके पानी भरे हुए बाथटब में फेंक दिया। पानी में गिरते ही तापसी जोर जोर से चिल्ला के लगी, बाध आ गई, बचाओ बचाओ। समय उसे कंधे से पकड़ बाथटब में खड़ा कर गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे पास 10 मिनट है, कपड़े बदलो और बाहर आओ वरना। समय अपनी बात अधूरी छोड़ एक नजर तापसी को ऊपर से नीचे देख वहां से चला गया। तापसी उसकी आवाज सुन घबरा के उसे जाते हुए देखती रही। इस वक्त तापसी की आंखें रोने से लाल हो चुकी थी, उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे। तापसी एक नजर बंद दरवाजे की ओर देखा, फिर पूरे बाथरूम को। तापसी धीरे से बाथटब से बाहर आके पूरे बाथरूम को देख रही थी। तापसी बड़े से मिरर के सामने खड़ी होके खुद को अंदर देख बोली, मैं यहाँ कैसे आई, मुझे तो उस कमरे में बंद किया था, तो क्या वो राक्षस मुझे लेके आया। तापसी यही सब सोच रही थी, उसी वक्त समय की तेज आवाज आई, 5 मिनट। तापसी ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी उसने तुरंत अपने कपड़े बदल पास रखा बाथरूम पहना लिया। तापसी धीरे से बाथरूम पहन बाहर आई। उसे इस वक्त काफी शर्म आ रही थी, बाथरूम उसकी थाई तक ही आ रहा था, जिसे वो कब से नीचे करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तापसी एक नजर कमरे को देख हैरान हो गई। पूरा कमरा ब्लैक ग्रे थीम में बना हुआ था। कमरे के बीचों बीच मास्टर किंग साइज बेड था। ग्रे दीवारों पर ब्लैक पर्दे लगे हुए थे। कमरा जितना बड़ा था उसे कहीं ज्यादा डरावना था। कमरे को देख एक अजीब सी वाइब आ रही थी। बेड के सामने वाली दीवार पर दो तलवार चाबुक रखे हुए थे। उसके दोनों साइड दो जानवरों को धर लगाए हुए थे, जो दिखने में किसी को भी डरा दे। एक साइड कांच से बनी वॉल थी, उस पर एक अजीब सी डिजाइन बनी हुई थी। बेड के पीछे की वॉल पर एक आदमी की फोटो लगी हुई थी, जो शर्टलेस थी, एक हाथ में गन थी तो दूसरे में खंजर, आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था।
तापसी उस फोटो को ध्यान से देख मुंह बना के बोली, ये फोटो में भी इतने ही रुड लगते हैं जितने सामने रुड राक्षस। कहीं के कम से कम फोटो में स्माइल कर देते, यहाँ भी सदा हुआ फेस बना के रखा है, वैसे आपको शमा नहीं आती अपने ही छोटे भाई की, मंगेतर को बिना उसे पूछे यहाँ उठा के लाने की। एक तो जबरदस्ती यहाँ लाके पटक दिया, ऊपर से उस जेल देसे कमरे में बंद कर दिया। आपको पता है मैं कितना रोई हूँ, आज से पहले किसी ने मुझे इतना नहीं रुलाया जितना आपने रुलाया। आप बहुत बहुत बुरे हो, मैं दादा से बोल के आपको जेल भेज दूंगी, फिर आपको भी उस सलाखों के पीछे रहने का दर्द पता चलेगा। वैसे सदू आपको क्षमा नहीं आती, बिना सट के खड़े होने में कितने बुरे लग रहे हो गंदे कहीं के। तापसी समय की फोटो को देख कोश रही थी, वो ये भी भूल चुकी थी कि उसने इस वक्त सिफे बाथरूम पहना हुआ है। तापसी एक से ही खड़ी होके समय की फोटो को बुरी तरह घूर रही थी, उसी वक्त किसी के मजबूत हाथों ने उसकी कमर पकड़ अपनी ओर खींच लिया। तापसी इस वक्त काफी हॉट एंड क्यूट लग रही थी, हॉट इसलिए क्योंकि उसने सिर्फ बाथरूम पहना हुआ था जो उसके थाई तक आ रहा था, हॉट बात के कारण उसकी गोरी स्किन हल्की गुलाबी हो चुकी थी, और क्यूट इसलिए क्योंकि वो समय की फोटो को देख क्यूट सा चेहरा बना रही थी, अपने होठों का पाउट बना के उसे बुरी तरह घूर रही थी। ठीक तभी दो मजबूत हाथ उसकी पतली सी कमर पर लिपट गए। तापसी अचानक किसी को अपने पीछे से पकड़ने से घबरा गई। उसने कसके आंखें बंद करी, अपने हाथों से बाथरूम को कसके पकड़ लिया। तापसी को पकड़ने वाला कोई और नहीं समय था। समय तापसी को अपने सीने से सटा के अपना चेहरा उसके बालों में घुसा के मदहोशी भरी आवाज में बोला, मेरी फोटो को देख मुझे कोसने से अच्छा सामने से कोस लो क्यूटी पाए। आवाज सुन तापसी के अंदर डर की एक लहर सी दौड़ गई, उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसके चेहरे को सारा रंग उड़ गया। समय उसके गीले बालों से आती मीठी सी सुगंध को सूंघने लगा। तापसी इस वक्त किसी खिले हुए फूल की तरह लग रही थी, जिस पर गीले बोलों से निकलती पानी की बूंदे की सी उसकी बूंदों की तरह लग रही थी। समय के हाथ तापसी की कमर को कसके दबा रहे थे, जिसे ना चाहते हुए भी तापसी की आहें निकल रही थी। समय अपने होठ तापसी की गर्दन पर फिरा के उस पर बहती पानी की बूंद अपनी टंग से लिख करने लगा। तापसी उसकी इस हरकत से अंदर तक सिहर गई, उसे समय की बाहों में अजीब सा डर लग रहा था जो समय के डाकोरे के कारण था। समय तापसी के बालों को एक साइड कर अपनी सिर उसके गले में छुपा के बोला, क्यूटी पाई यू आर सो स्वीट जस्ट लाइक ए स्ट्रॉबेरी, जिसे मुझे खाने का मन कर रहा है। तुम्हें पता है क्यूटी पाई, तुमने आज एक गलती की है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, जींस लिए मुझे तुम्हें सजा देनी होगी, जिसे तुम आगे से कभी कोई गलती नहीं करोगी। तापसी ने जैसे ही सुना उसने गलती की है और ये राक्षस उसे सजा देने वाला है, तो उसकी सांसें ही अटक गई, उसके होठ पूरी तरह सूखने लगे। तापसी कांपती हुई आवाज में, मम मैंने क्या गलती की जो आप मुझे सजा दोगे। समय उसके गले में अपना चेहरा छुपा के, बेबी गलती भी बताओगा, उसे पहले सजा तो सुन लो। तापसी इस वक्त काफी होट एंड क्यूट लग रही थी, होट इसलिए क्योंकि उसने सिर्फ बाथरूम पहना हुआ था जो उसके थाई तक आ रहा था, होट बात के कारण उसकी गोरी स्किन हल्की गुलाबी हो चुकी थी, और क्यूट इसलिए क्योंकि वो समय की फोटो को देख क्यूट सा चेहरा बना रही थी, अपने होठों का पाउट बना के उसे बुरी तरह घूर रही थी। ठीक तभी दो मजबूत हाथ उसकी पतली सी कमर पर लिपट गए। तापसी अचानक किसी को अपने पीछे से पकड़ने से घबरा गई। उसने कसके आंखें बंद करी, अपने हाथों से बाथरूम को कसके पकड़ लिया। तापसी को पकड़ने वाला कोई और नहीं समय था। समय तापसी को अपने सीने से सटा के अपना चेहरा उसके बालों में घुसा के मदहोशी भरी आवाज में बोला, मेरी फोटो को देख मुझे कोसने से अच्छा सामने से कोस लो क्यूटी पाए। आवाज सुन तापसी के अंदर डर की एक लहर सी दौड़ गई, उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसके चेहरे को सारा रंग उड़ गया। समय उसके गीले बालों से आती मीठी सी सुगंध को सूंघने लगा। तापसी इस वक्त किसी खिले हुए फूल की तरह लग रही थी, जिस पर गीले बोलों से निकलती पानी की बूंदे की सी उसकी बूंदों की तरह लग रही थी।
समय के हाथ तापसी की कमर को कसके दबा रहे थे, जिसे ना चाहते हुए भी तापसी की आहें निकल रही थी। समय अपने होठ तापसी की गर्दन पर फिरा के उस पर बेहती पानी की बूंद अपनी टंग से लिख करने लगा। तापसी उसकी इस हरकत से अंदर तक सिहर गई। उसे समय की बाहों में अजीब सा डर लग रहा था, जो समय के डाकोरे के कारण था। समय तापसी के बालों को एक साइड कर अपनी सिर उसके गले में छुपा के बोला, क्यूटी पाई, यू आर सो स्वीट जस्ट लाइक ए स्ट्रॉबेरी, जिसे मुझे खाने का मन कर रहा है। तुम्हें पता है क्यूटी पाई, तुमने आज एक गलती की है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, जींस लिए मुझे तुम्हें सजा देनी होगी, जिसे तुम आगे से कभी कोई गलती नहीं करोगी। तापसी ने जैसे ही सुना उसने गलती की है और ये राक्षस उसे सजा देने वाला है, तो उसकी सांसें ही अटक गई। उसके होंठ पूरी तरह सूखने लगे। तापसी कांपती हुई आवाज में, मम मैंने क्या गलती की जो आप मुझे सजा दोगे? समय उसके गले में अपना चेहरा छुपा के, बेबी गलती भी बताओगा, उसे पहले सजा तो सुन लो। इस बार समय ने शक्ति से कहा, स्वीट हार्ट ओपन योर आइज। समय के शक्ति से कहने पर तापसी ने धीरे धीरे कर आंखें खोली। आंखें खोल उसने सबसे पहले समय की आंखों में देखा, जो उसे ही देख रहा था। समय अपनी आंखों से इशारा कर तापसी को कमरे को देखने को कहा। तापसी ने समय के सीने से सिर निकाल जैसे ही कमरे को देखा उसकी जोर से चीख निकल गई। उसने फिर से समय को कसके पकड़ लिया। इस बार उसने पहली बार से ज्यादा कसके समय को पकड़ा था। तापसी ने अपने दोनों पैर समय के पैरों के ऊपर रख दिए। तापसी बुरी तरह कांप निलगी। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से समय को पकड़ने की कोशिश की। वो इस वक्त इतनी डरी हुई थी कि उसे खुद नहीं पता वो इस वक्त किसके सीने से लगी हुई है। तापसी समय के सामने बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी थी। उसके छोटे छोटे हाथ जिसे वो समय को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। उसकी हाइट भी छोटी थी, जो समय के कंधे तक ही आ रही थी। उसका जीरो फिगर समय की जिम बॉडी के सामने कुछ भी नहीं था। समय के बाइसेप उसकी मस्क्यूलर चेस्ट चौरासीना लंबी हाइट उसका फेस फीचर्स उसे और भी हैंडसम बना रहा था। समय सिद्धार्थ से काफी हैंडसम है। सिद्धार्थ भी जिम करता है लेकिन इतना नहीं जितना समय करता है। तापसी किसी फूल की कली की तरह थी जो बिल्कुल अभी भी खिली हो। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। हमेशा अपने बड़े भाई की प्रोटेक्ट में रहने वाली लड़की एक दिन उस परियों की दुनिया से इस दुनिया में आ जाएगी। उसने कभी सोचा नहीं था जो दुनिया सिर्फ हवस लालच से भरी हुई है, इस दुनिया में उस मासूम का क्या होगा। तापसी किसी फूल की कली की तरह थी जो बिल्कुल अभी भी खिली हो। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। हमेशा अपने बड़े भाई की प्रोटेक्ट में रहने वाली लड़की एक दिन उस परियों की दुनिया से इस दुनिया में आ जाएगी। उसने कभी सोचा नहीं था जो दुनिया सिर्फ हवस लालच से भरी हुई है, इस दुनिया में उस मासूम का क्या होगा। समय जींस दुनिया में पला बड़ा हुआ है, उसके लिए मासूम सी तापसी की मासूमियत एक धोखा थी। उसे लगता था तापसी अपनी सादगी मासूमियत से लोगों को फंसाती होगी, इसलिए समय तापसी को भी बाकी लोगों की तरह ही ट्रीट करने वाला था। उसे भी वही दर्द देने वाला था जो वो बाकी सबको देता है। लेकिन वो तब तक था जब तक उसे तापसी के बारे में वो बात पता नहीं चली थी। जब समय अपने कमरे में बेचैन बैठा हुआ था तब उसके पास वरुण का ईमेल आया। पहले तो उसने ईमेल को इग्नोर कर दिया, फिर कुछ सोच के ईमेल चेक किया। ईमेल देख उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसे कोई खजाना मिल चुका हो। समय ने तुरंत वरुण को कॉल किया। उधर से एक लड़ने फोन उठाया, उम्र 25 साल, रंग गोरा, समय की तरह फिट बॉडी, नाम वरुण रॉय। वरुण ने कहा, कैसी लगी? समय अपनी गर्दन पर हाथ फेर के, अभी भी बच्ची है। वरुण हंसते हुए, तुझे नहीं चाहिए तो मेरे पास भेज दे। समय आंखें बंद कर, सोचना भी मत वरना। हा हा हा, जानता हूँ, आगे बोलने की जरूरत नहीं है, वरुण ने कहा। वरुण सीरियस टोन में, माल आ चुका है, समय चेक कर अपनी जगह पहुँचा दे। वरुण तू कब आएगा? समय तू डाक है ला जा। वरुण कल आता हूँ अपनी बच्ची को मिलने। समय आंखें रोलकर, जीना चाहता है तो अगली बार अपनी जबान पर उसका नाम मत लेना। इतना बोल समय ने फोन रख दिया।
वरुण अगर वो ईमेल नहीं भेजता तो समय कभी तापसी के पास नहीं जाता। वरुण कौन है और उस ईमेल में ऐसा क्या था, वो तो आगे पता चलेगा। तो चलो कहानी में। समय तापसी को अपने पैरों पर देख उसके चेहरे पर इवल स्माइल आ गई। उसे तापसी को अपने सीने से चिपकते देख उसे एक अजीब सा सुकून मिला। उसने उसे कमर से पकड़ ऊपर उठा लिया। जिसे तापसी ने अपने दोनों पैर रिंझाने में ही सही समय की कमर पर लिपट लिए। अपने हाथ समय के गले के चारों ओर लिपट के बोली, माँ मुझे आपकी दूसरी सजा मंजूर है, मुझे यहाँ से लेके चलो प्लीज, मुझे दूसरी कोई सजा नहीं चाहिए। आप जो बोलोगे जैसा बोलोगे सब मानवी पक्का प्रोमिस। समय ने जैसे ही सुना तापसी ने उसकी दूसरी सजा मांग ली तो उसके चेहरे पे अपने आप स्माइल आ गई। समय कमरे को बंद कर वापिस अपने रूम में आ गया। तापसी अभी भी समय से किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। समय तापसी को धीरे से बेड पर बिठा के बोला, स्वीटहार्ट तो चलो अपनी दूसरी सजा पूरी करो। तापसी सिर झुका के अपने बाथरूम को कसके पकड़ समय से नजरें चुराने लगी। उसे इस वक्त समय से डर लग रहा था। समय उसके पास बैठ उसके बाथरूम की रस्सी पर हाथ रखा। तापसी उसके हाथ को पकड़ अपनी नजरें नीचे कर मासूमियत से बोली, आप वहाँ क्या करोगे, क्या आप मुझे हवा मारोगे। तापसी ये सब बोलते वक्त काफी क्यूट लग रही थी। समय तापसी को बेड पर लेटा के उसके ऊपर आके बोला, कुछ नहीं होगा लिटल गर्ल, अच्छी बच्ची बनो और मुझे देखती रहो, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। समय तापसी के गुलाबी पतले होठों पर अपने रफ होठ रख धीरे धीरे उसे दबाने लगे। तापसी ये देख अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देखने लगी। समय भी उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे उसके होठों को चूमने लगा। तापसी की पहेली किस समय उसे उसी तरह कर रहा था जिसे तापसी दरेना। तापसी की तरह समय की भी ये पहेली किस थी। समय तापसी के निचले होठ को अपने होठों के बीच लेके स्मूच करने लगा जिसे तापसी की आंखें अपने बंद हो गई। तापसी को समय का स्मूच करना अच्छा लग रहा था। ये फीलिंग उसके लिए बिल्कुल नई थी। समय उसकी आंखों को बंद होता देख उसे और पैसनेट होके चूमने लगा। साथ साथ हल्के हल्के बाइट भी कर रहा था जिसे तापसी को हल्का हल्का दर्द होने लगा। तापसी आंखें खोल समय को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। समय उसे ऐसा करता देख एक पल रुक उसके होठों से दूर होके बोला, क्या हुआ क्यूटी, तुम मुझे दूर क्यों कर रही हो। तापसी अपने निचला होठ आगे कर मासूमियत से बोली, आप गंदे हो, आपने मुझे बाइट किया। समय उसकी मासूम सी शिकायत सुन उसके होठों पर छोटी सी किस कर उसके गालों को सहला के कहा, दर्द हुआ मेरी लिटल गर्ल को। तापसी बच्चों जैसे हा में सिर हिलाने लगी। समय तुरंत पलट उसे अपने ऊपर कर बोला, तो ठीक है तुम भी मुझे बाइट कर लो। तापसी समय की बात सुन ना में सिर हिलाने लगी। समय उसके बालों को पीछे से पकड़ स्वीटहार्ट बाइट मी। तापसी समय की आंखों में देख मासूमियत से बोली, आपको दर्द होगा। समय ने उसके बाथरूम की रोप खोल दी थी जिसे समय के हाथ तापसी की खुली कमर पर चल रहे थे। उसकी पतली सी कमर समय को पागल कर रही थी। इस वक्त उसने खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है। समय उसकी कमर सहला के अपनी आंखें बंद कर वही दर्द मुझे सुकून देगा बच्ची, अब जल्दी से मुझे किस करो, मुझे और मत तरपाओ। तापसी उसके मुंह से किस सुन समय की आंखों में देख के मुंह बना के बोली, आप गंदे हो, आपने मुझे बिना पूछे किस किया, मुझे नहीं करनी आपको किस, छोरो मुझे, आपने बोला था आपको सिर्फ ये चाहिए, फिर अभी आपने यहाँ किसकी साथ बाइट भी किया। समय तापसी को और कसके पकड़ क्यूटिपाई उस जगह भी करूँगा, पहले तुम मुझे यहाँ किस करो। तापसी ना में सिर हिला के नहीं, समय आंखें रोल कर सोच लो जान किस करोगी या उसी रूम में जाना चाहोगी। जैसे ही समय ने उस रूम की धमकी दी तापसी ने जट से समय के होठों पर अपने होठ रख दिए। समय उसकी स्पीड देख स्माइल कर दिया। समय ने तापसी के बालों को उसकी गर्दन साथ कसके लिया जिसे तापसी चाहे तब भी उसके होठों से दूर ना जाने पाए। तापसी को किस करना बिल्कुल नहीं आता था, वो सिर्फ समय के होठों को किसी लोलीपॉप की तरह सक कर रही थी जो उसने उसकी उगली के साथ किया था। समय उसकी किस इंजॉय कर रहा था, साथ ही अपने दूसरे हाथ से अपनी सटके बटन खोलने लगा। इस वक्त तापसी आंखें
बंद कर समय को किस कर रही थी, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चला कि कब समय ने अपनी सट के सारे बटन खोल दिए। तापसी का छोटा सा शरीर समय के शक चेस्ट से टच हो रहा था। तापसी को किस करना बिल्कुल नहीं आता था, वो सिर्फ समय के होठों को किसी लोलीपॉप की तरह सक कर रही थी जो उसने उसकी उगली के साथ किया था। समय उसकी किस इंजॉय कर रहा था, साथ ही अपने दूसरे हाथ से अपनी सट के बटन खोलने लगा। इस वक्त तापसी आंखें बंद कर समय को किस कर रही थी, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चला कि कब समय ने अपनी सट के सारे बटन खोल दिए। तापसी का छोटा सा शरीर समय के शक चेस्ट से टच हो रहा था। समय तापसी को फिर से पलट उसके ऊपर आके उसे और वाइल्डली किस करने लगा। इस वक्त समय की नीचे किसी जलबीन मछली की तरह तड़प रही थी। समय लगातार तापसी के होठों को रिफली किस करने लगा, उसके होठों को किसी सेब की तरह चबाने लगा। तापसी को बहुत दर्द हो रहा था, उसकी आंखों से आयु निकल रहे थे। तापसी समय को खुद से दूर करने के लिए उसके सिने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगी, लेकिन समय जैसे फौलाद जैसे इंसान पर उसके नाजुक हाथों का कोई असर नहीं हुआ। वो तो सब कुछ भूल किसी भूखे भेड़िए की तरह तापसी को किस कर रहा था, जैसे किसी जन्मों के प्यासे को वाइन की बोतल मिल गई। तापसी लगातार रो रही थी, उसे कब से सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, फिर भी समय ने उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। जब तक वो खुद सेटिस्फाई नहीं हुआ तब तक उसने तापसी को नहीं छोड़ा। 25 मिनट लंबी किस के बाद समय तापसी के होठों से दूर होके उसके चेहरे को देखने लगा। तापसी की आंखें नाक रोने से लाल हो चुकी थी, उसके गाल भी हल्के हल्के लाल थे। तापसी लंबी लंबी सांसें लेके खुद को शांत कर रही थी। समय ने जब उसके होठों को देखा जो बुरी तरह सूज चुके थे, समय उसके ऊपर उठ अपनी सट निकाल साइड में फेंक उसके पास लेट गया। उसने तापसी की कमर पकड़ अपने करीब खींच उसे अपने सीने से लगा लिया, दोनों को ब्लेनकेट से कवर कर तापसी की पीठ से हिलाने लगा। तापसी समय से काफी डरी हुई थी, इसलिए उसने समय को खुद से दूर करने की या खुद दूर होने की कोई कोशिश नहीं की। तापसी अभी भी सिसक रही थी, जिसे समय को चिर मचने लगी। उसने तापसी को रूड टोन में कहा, शह अब मुझे जरा भी शोर नहीं चाहिए, वरना फिर से उसी काल कोठरी में फेंक दूंगा, इसलिए अच्छी बच्ची की तरह सो जाऊं। तापसी उसकी बात सुन अपना सिर उसके सीने से निकाल सिसकते हुए बोली, आप गंदे हो, आपने मुझे कितनी बार बाइट किया, आपको पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है। समय उसकी क्यूटनेस को देख खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। इस वक्त तापसी का पूरा चेहरा लाल था, उसकी छोटी सी नाक भी रोने से चेरी की तरह लाल हो चुकी थी। समय उसके बालों को कान के पीछे कर उसकी नाक पर छोटी सी किस कर बोला, अगली बार तुम मुझे बाइट कर लेना थे है, अब सो जाओ। तापसी समय की बात सुन अपना सिर बच्चों जैसे हाँ में हिला के उसने समय के होठों पर अपने होठ रख जोर से काट लिया। समय उसकी हरकत देख बिल्कुल हैरान था, इस लड़की ने समय मल्होत्रा का बाइट करने की हिम्मत की। समय अपनी आंखें बड़ी किए तापसी को घूरने लगा। तापसी उंगली दिखा के बोली, मैंने तो सिर्फ एक बार ही बाइट किया, आपने तो मुझे कितनी बार बाइट किया, फिर अभी आप मुझे ऐसे घूर रहे हो। समय उसकी मासूमियत पर अपना सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका, उसने तापसी के सिर को फिर से अपने सीने में रख लिया। तापसी भी बिना हिला उसके सीने में अपना चेहरा छुपा के सो गई। समय उसके सोते ही उसे साइड में लेटा के बिस्तर से खड़ा होके बालकनी में जाके किसी को कॉल मिलाया। समय एरोगेंट वे में, वो मुझे मिल चुकी है, सबको बोल दो वापिस आ जाए। उधर से एक आदमी बोला, जी बोस। आदमी बोस, हमारा काम भी यहाँ पूरा हो चुका है। समय अपना हाथ गर्दन पर फिरा के, हम यहाँ आके कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालो और याद रहे इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। आदमी, डोंट वरी बोस, काम हो जाएगा। समय थोड़ी देर उस आदमी से बात कर वापिस कमरा में आके तापसी को बाहों में लेके सो गया। अगली सुबह सूरज की किरणें तापसी के मासूम चेहरे पर आ रही थी, जिसे उसका छोटा सा चेहरा और चमक रहा था। तापसी रोशनी के कारण कसमसा के आंखें खोली। इस वक्त वो बिना कपड़ों के अकेली बिस्तर पर सो रही थी। समय को जल्दी उठ जिम करने की आदत है, इसलिए वो
सुबह सुबह जीन चला गया। तापसी ने इस वक्त सिफे ब्लेनकेट ओढ़ रखा था। तापसी इंद्राई लेके आंखें मलते हुए पूरे कमरे को देखने लगी। कमरा रात को जितना डरावना लग रहा था दिन में भी उतना ही डरावना था। तापसी को कल रात की समय की सारी हरकत याद आ गई, जिसके साथ उसे उस कमरे के बारे में भी याद आया। जिसे याद वो फिर से कांपने लगी। तापसी की आंखों से आंसू निकलने लगे। तापसी रोते हुए, दादा आप कहा हो, आपकी क्यूटीपाई को यहाँ से ले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है दादा। तापसी अपने भाई को याद कर सुबक रही थी। दूसरी ओर एक छोटे से घर में सब काफी परेशान बैठे हुए थे। एक औरत उम्र 46 साल, नाम जीविका, तापसी राहुल की माँ। जीविका अपने पति को देख रोते हुए बोली, विराज जी आपकी बेटी का पूरी रात से कुछ पता नहीं चल रहा और आप यहाँ हाथ पे हाथ रख बैठे हुए हो। विराज उम्र 50 साल, तापसी राहुल के पिता। विराज सिर पक में यहाँ हाथ पर हाथ रख नहीं बैठा हुआ, जितनी फिक्र तुम्हें हो रही है उतनी ही मुझे भी है, मेरी भी बेटी है, तो आप कुछ करते क्यों नहीं। मैं कल से बोल रही हूँ राहुल को बता दो, लेकिन आप है कि उस सिद्धार्थ मल्होत्रा के भरोसे बैठे हो, जीविका ने गुस्से में कहा। जीविका को बिठा के एक लड़की बोली, आंटी आप सिद्धार्थ को नहीं जानती, उसके डैड यहाँ के सबसे बड़े बिजनेस मैन है, उसने कहा है ना वो तापसी को ढूंढ लेंगे तो वो जरूर तापसी को ढूंढ लेंगे, आप भरोसा रखिए। अंकल पर गुस्सा करने से या राहुल दादा को बताने से कुछ नहीं होगा, लेकिन नताशा तुम मेरी बेटी को जानती हो, वो कितनी मासूम है, वो तो खुद की तरह सबको अच्छा समझती है, उसे दुनिया के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता, जीविका ने परेशान होके कहा। विराज अपनी पत्नी को संभालते हुए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, अगर फिर अभी कोई खबर नहीं मिली तो मैं राहुल को कॉल कर बुला लूंगा। मल्होत्रा मेंसन, सिद्धार्थ ने आते ही तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया था। राघव मयंक साइड में खड़े होके उसे देख रहे थे। तब तक सिद्धार्थ के डैड मोम्बी मेंसन पहुंच चुके थे। राजवीर होल की हालत देख अपनी आंखें बंद कर ली। जानवी सिद्धार्थ को इतना गुस्से में देख परेशान होके उसे रोकते हुए बोली, सिद्धा मेरे बच्चे रुक जाओ, ऐसे तुम्हें चोट लग जाएगी, प्लीज रुक जाओ। सिद्धार्थ गुस्से में सामान तोड़ते हुए बोला, मोम आप आगे मत आना, इस वक्त में अपने सेंस में बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे मेरी तापसी चाहिए, कैसे भी करके मुझे वो चाहिए। डैड आपने भाई से बात की, उनको बोला वो मुझे तापसी दे दे, मैं उसके बिना पागल हो जाऊंगा। राजवीर अपने बेटे की बात सुन समय की बातें याद करते हुए बोला, सिद्धा मैंने समय से बात की है, उसे समझाया, इतना आसान नहीं है, तुम जानते हो वो मुझसे या तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हारी बात सुनता है। जानवी राजवीर को घूर के बोली, उसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, आपके एक फैसले ने उसे ऐसा बना दिया है, वरना मेरा समय ऐसा कभी नहीं था। राजवीर हाँ तुम्हारा बेटा मेरे कारण ही बिगड़ा है, बचपन में मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था उसे इलाज की जरूरत है, उसे जाने दो, लेकिन तब तुमने क्या कहा, मेरा बेटा ठीक है सिर्फ उसे गुस्सा ज्यादा आता है, अब देख लो आपके बेटे की सनक, उसका गुस्सा उसकी मनमानी हमें कहा लाके खड़ा कर दिया, उसका पागलपन आज इस कदर बढ़ चुका है कि पूरा एशिया उसे व्हाइट ईगल के नाम से जानता है, आज वो कसिनो का किंग है, उसके नाम से कहीं कसिनो होटल बन चुकी है, उसने मेरे छोटे बेटे की मंगेतर को अपने पास रख लिया है, वो भी बिना उसकी मर्जी के, अब तुम बताओ मैं उसके बाप को क्या जवाब दूं कि कहा है उसकी बेटी। भूलो मत, उसका बाप जरूर नॉर्मल टीचर है, लेकिन उसका बेटा इंडियन आर्मी का हेड है, अगर उसे पता चला तो बाप बात सकती है। सिद्धार्थ गहरी सांस लेके बोला, डोंट वरी डैड, मैं अपनी जान को लेके आऊंगा, कल तक वो यहाँ होगी मेरे पास और कल ही मेरी शादी होगी। राघव भाई मुझे पता है आप भाई के आगे सिर झुकाते हो, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, आप मेरे और उनके बीच में मत आना। सिद्धार्थ इतना बोल गुस्से में वहां से निकल गया। मयंक भी उसके पीछे भागा। राघव अपने हाथ जेब में डाल के सीटी बजाते हुए व्यंग्य भरी स्माइल कर बाहर चला गया। डार्क हेल, तापसी बाथटब में आंखें बंद कर बेदी हुई थी। उसके होंठ अभी भी सूजे हुए थे, उसकी आंखें थोड़ी लाल थी जैसे अभी
अभी रोई हो थोड़ी देर ऐसी ही बैठे रहने के बाद। तापसी को पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। ठहरे हुए पानी में हलचल होते ही उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही सामने बैठे इंसान को देख देख उसकी तेज चीख निकल गई, आहापा। उसने तुरंत अपने आप को ढकने के लिए अपने सीने पर हाथ रख लिए। इस वक्त वो पूरी तरह नेक थी। उसका दुधसा शरीर बाथटब के पानी के अंदर से हीरे की तरह चमक रहा था। इस वक्त वो किसी सुंदर अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। तापसी खुद को ढकने की नाकाम कोशिश करते हुए घबराई हुई आवाज में बोली, इक्वल्स आप अंदर कैसे आए? मैंने तो दरवाजा अंदर से बंद किया था। ओह माय क्यूटीपाई, यू आर सो इनोसेंट, तुम शायद भूल रही हो इस वक्त तुम मेरे हेल में हो और मेरे कमरे के बाथटब में बेदी हो। यहाँ आन के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, खुद तुम भी नहीं समझी स्वीटहार्ट? समय ने पानी में हाथ डाल उसे हिलाते हुए कहा। तापसी समय को अपने इतने करीब देख डर से सिमटने लगी। समय इस वक्त अपनी इंटेंस नजरों से तापसी को ही देख रहा था। तापसी को इस वक्त काफी शमा आ रही थी। समय की नजरों से वो काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। समय बिना उसे नजरें हटाए अपने एक बात साथ अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। तापसी उसे शर्ट के बटन खोलता देख अपनी नजरें तुरंत दूसरी ओर फेर के बोली, आप क्या कर रहे हो? अपनी शर्ट क्यों निकाल रहे हो? समय बिना इमोशन के तुम्हारे साथ बात लेने का दिल हो रहा है। तापसी उसकी बात सुन घबराए हुए बोली, ना नहीं, आप बाद में ले लेना, मैं बाहर चली जाऊं तब। समय ने तब तक अपनी शर्ट निकाल के साइड में रख दी। वो क्या हो के अपनी पैंट निकालते हुए बोला, और तुमसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? मेरा तुम्हारे साथ बात लेने का मन है। समय अपने बाकी कपड़े निकाल उसके पास आ गया। तापसी कुछ बोल पाती उसे पहले समय उसके पास बाथटब में बैठ उसे उठा के अपने पैरों के बीच बिठा दिया। तापसी इस वक्त पूरी तरह समय की बाहों में घिरी हुई थी। दोनों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, दोनों के शरीर आपस में टच हो रहे थे। समय तापसी का सिर अपने कंधे पर रख आंखें बंद कर लेट गया। तापसी को इस वक्त काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। समय के हाथ तापसी के शरीर को सहला रहे थे। समय के हाथ इस वक्त तापसी के शरीर पर चल रहे थे। वो उसे धीरे धीरे रब कर रहे थे। तापसी की हल्की हल्की आह निकल रही थी। तापसी खुद नहीं पता चल रहा था उसे समय के हाथों की छुअन इतना बेचैन क्यों कर रही है। तापसी उसके हाथों को रोकते हुए डरते बोली, आप ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बेचैनी हो रही है। समय तापसी के हाथों कसके पकर आंखें खोल अपना सिर तापसी के कंधे पर रख मैग्नेटिक आवाज में कहा, शह मेरे हाथ को रोकने की अगली बार गलती से भी गलती मत करना वरना। इतना बोल समय ने तापसी की कमर को जोर से दबा दिया जिसे तापसी की चीख निकल गई। समय तापसी को पलट अपनी ओर घुमा लिया। तापसी के दोनों पैर अपनी कमर के दोनों ओर कर उसे अपने ओर करीब खींच लिया। इस वक्त तापसी के आंखों में आंसू थे। उसके गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुके थे। समय उसके सूजे हुए होठों को अपनी उंगली से रब करते हुए बोला, बेबी किस मी। तापसी उसकी बात सुन अपना सर ना में हिलाने लगी। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कॉमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।